सुविधा मिलने से आक्रोशित किसान पहुंचे फीडर पर, बूढ़े बालाजी फीडर पर आज 5-6 गांव सकतपुर, पिपलौदा, गणेशपुरा, सुमेर, कचियाई, माधवपुरा के ग्रामीण इकट्ठा होकर पहुंचे और बिजली न मिल पाने के कारण हंगामा करने लगे। किसानों का आरोप है कि 11 दिसंबर से बिजली न मिलने से उन्हें खासानी हो रही है, वहीं दिन भर में केवल 3 से 4 घंटे ही बिजली दी जा रही है, वह भी कट कट के। वहीं खेतों पर पानी दिए जाने का यह उचित समय है, लेकिन लाइट न मिलने के चलते पानी नहीं दे पा रहे। संबंध में जब बिजली विभाग के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि फॉल्ट एवं ट्रिप के कारण ये समस्या आ रही है, वरना किसानों को रेगुलर बिजली दी जाती है। वहीं इस बात को किसानों ने सिरे से नकार दिया। किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि तकरीबन 5 गांव की बिजली का तार विद्युत विभाग के कर्मचारी द्वारा उतार लिया गया है, और जब उनसे पूछा गया तो बताया कि अधिकारियों ने तार मंगवाया है, बाद में उसी तार की चोरी की कंप्लेंट बिजली विभाग द्वारा डलवा दी गई थी। किसानों ने बताया कि जो तार ले गए थे वे उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। समस्या पर है कि खेती के इस समय में खाद और बिजली के इतने इतना परेशान है किसान, तो कैसे कर पाएगा वे खेती। किसानों द्वारा फीडर पर उपद्रव और हंगामा करने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी जेकी वर्मा मौका स्थल पर पहुंचे। भाई विद्युत विभाग के अधिकारी ने किसानों से बात की और बताया कि रात में 4-5 लोग आए थे, वहीं बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट कर गए, साथ ही एक पैनल भी तोड़ गए, जिसके कारण लाइट में दिक्कतें आ रही हैं। सभी व्यवस्था को दुरुस्त कर किसानों को जल्दी लाइट दी जाएगी। लेकिन इस संबंध में जब हमने जेकी वर्मा से बात करना चाहिए तो उन्होंने लाइट देने से मना कर दिया और कहा कि इसके लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ। सर अपने कोई जानकारी नहीं उसकी, पार्किंग पार्किंग माने कहाँ से हो रही सर? अपनी अपन तो अपने यार मैं आपसे नहीं बोलूँ सर, अपने आपसे नहीं हूँ, मतलब इनको पता हो भाई किसने देखा हो, मान लो कोई कहीं लाइन चालू करी कहीं स्पार्क हो गया, कुछ चकरा तो नहीं गई सर? 15 रोज से कैसे टकरा जाएगी ऐसे? 15 रोज से लाट भाग कर रही है हमारी, 15 रोज से कैसे हो जाएगी जब बताओ आप? तो यार एक बात हो रही, सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक लाट देगी और संध्या का तुमने देखा क्या? ये बोल कैलाश है, वो कैलाश के संग और दो जने और थे, सुरेश वगैरह थे। अच्छा, इनने तार काटा मेरे सामने था, मैं दोपहर में आया था, ये तार काटा, मैं उनसे हाथ मिला गया और बैठ गया उनके पास में और बड़े पिला गया। अरे साहब बुलाओ कैलाश को, लगवा दो ना कार्ड, रीजन से काट नहीं होंगे उन पे लगवा दो। 26 गंभी के तार काटे ये बड़ी लेन के, कौन सी लेन है? सबकी बात बता रहे हो, कितने दिन पुरानी? एक महीना पुरानी बात है। एक महीने पुरानी कौन सा तार काटा ये ले लेन? अरे हो, अरे साहब, अरे हो, कैलाश को बुलाओ ना। नहीं नहीं ठंड के वजह से, ठंड के चक्कर में खत्म। अरे बाबू इनमें दे नहीं रहा, आप खुद आपके हिसाब से भी सोचो कि रात में कितनी जोर से ठंड पड़ रही है, इसके बाद में भी मतलब आदमी रात में पानी पी रहा और लाइट नहीं मिल रही, रात खेत में बैठा है लाइट नहीं आ रही, बोर चालू करके भंजाता है लाइट चली जाती है, मोटर भर रही है, पूरी कर दी जाती है 10 घंटे। किसान तो बोल रहे हैं कि 10 घंटे नहीं, बीच में पार्ट हो जाते हैं उसको सही करके वापस चालू करवा रहे हैं। अगर किसानों को रेगुलर 10 घंटे मिल रही होती तो किसान अपने खेत छोड़कर यहाँ पे आते क्या? बीच में फॉल्ट हो जाती है, 4-3 घंटे भी चलती है, फॉल्ट हो जाती है, स्विंग करके देखते हैं। आपने इस बाबत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है कि नहीं? हम बताया था, पूरी लाइन चेक कर लिए, 2-3 बार पूरी लाइन चेक कर, पूरी टीम ला के चेक कर। गणेशपुरा, सकतपुर, विप्रोदा, सुमेर, जिसकी तार की 11 kV की जो चोरी करवाई, जो अधिकारी लोगों ने चोरी करवाई है, जिसकी मैं खुद इसका गवाह हूँ, जो इस तार को ले गए थे उनका नाम है सुरेश लोधा, कैलाश, जिनसे पूछा गया तो कहने लगे साहब ने मंगवाया और उसकी कंप्लेंट लिखवाई गई है चोरी। गांव वालों की चोरी की तार, जिससे लाइन जो अलग अलग गाँव में चलती थी उससे लाइन बहुत अच्छी चलती थी, अब जो तार का पता लगाया कौन ले गया, किस जगह ले गया, चोरी करी, क्या करा? तो ये बिजली विभाग के कर्मचारी ले गए थे? बिजली विभाग के कर्मचारी प्राइवेट हैं, वो अभी आते होंगे यहाँ, उनका चेहरा ही बता देंगे। तो उन्होंने तार ले गए और वो कह रहे हैं कि तार चोरी हो गया, तार चोरी हो गया, रिपोर्ट भी डलवा देगा, रिपोर्ट है उसकी कंप्लेंट है। तार वही लोग ले गए, तार वही लोग ले गए, उनको चेहरे नाम देख के बता देंगे, हाथ पकड़ा।